अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूज़, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी आलू वाले चावल बनाना बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप लोगों ने बनाना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है पैन लेना है, कढ़ाई लेके आप लोगों ने इसमें ऑयल शामिल करना है। एक कप जो है वो मैंने इसमें ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल डालकर आप लोगों ने इसको हल्का सा गर्म करना है। इसके बाद आप लोगों ने जो है प्याज जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेने हैं, वो आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। प्याज़ों को आप लोगों ने लाइट कलर में आप लोगों ने ब्राउन कर लेना है। अब आप लोगों ने इसमें डालनी है साबुत जो है हरी मिर्च जो है वो मैंने 5 अदद जो है ले ली है। वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से जितनी भी डालना चाहते हैं वो आप लोग ले लीजिएगा, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसके साथ ही आप लोगों ने जो डालने हैं टमाटर, वो भी मैंने इस तरह के काट लिए हैं, आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। को अच्छे से आप लोगों ने फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद आप लोगों ने जो है आलू जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक काट लेने हैं। मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटे हैं, इस तरह के आप लोगों ने आलू ले लेने हैं और इसमें आप लोगों ने डाल देना है। को अच्छे से भून लेना है आप लोगों ने। अब आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं 2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च के आप लोगों ने इसमें डालने हैं। इसके साथ आप लोग नमक डालेंगे, असली ज़रूरत जितना भी आप डालना चाहते हैं वो डाल लीजिएगा। मैं इसमें डालूंगी 3 चम्मच, इसमें मैं ऐड कर लूँगी। इसके साथ आप लोगों ने गरम मसाला है पिसा हुआ, वो आप लोगों ने इसमें 2 चम्मच ऐड करने हैं और अच्छे से आप लोगों ने। अच्छे से आप लोगों ने मसाला जो है भून लेना है और आलूओं को अच्छे से आप लोगों ने फ्राई करना है ताकि अच्छे से गल जाएं। इसके साथ आप लोगों ने ऐड करना है तेज़पत्ता और आप लोगों ने इसके साथ जो है ये लाल मिर्च है वो आप लोगों ने इसमें डाल दी। मसाला मैंने बना लिया है, आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम लोगों ने इसमें डालना है पानी। पानी आप लोगों ने कितना डालना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जितने आप लोगों ने चावल लेने हैं उसका आप लोगों ने 1 कप बनाना चाहते हैं चावलों का या 2 कप बनाना चाहते हैं वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से उसका हिसाब कर लीजिएगा। मैंने इसमें डालने हैं जो है वो मैंने 1.5 कप जो है वो मैंने चावलों के डालने हैं इसमें, इसलिए आप लोगों को इसमें जो पानी है वो ऐड करना होगा 2 कप। अगर आप लोगों ने 1.5 कप बनाना है तो आप लोगों ने इसमें 2 कप इसमें ऐड करना है, पानी आप लोगों ने इसमें डाल देना है। उसको जैसे पानी बॉयल होने लगेगा तब आप लोगों ने इसमें चावल ऐड करने हैं। पानी होने लग गया है बॉयल, हम लोग इसमें डालेंगे चावल जो मैंने पहले के भिगो के रखे हुए थे पानी में। पानी मैंने उसमें से निकाल ली है, अब हम लोग इसमें डाल देंगे।
और इनको अच्छे से आप लोगों ने उसमें भिगो देना है। जब हल्का सा पानी रह जाएगा तब आप लोग इसको देखेंगे, इसके बाद आप लोगों ने इसको दम देना है। चावलों में पानी बिल्कुल हल्का सा रह गया है, अब हम लोग इसको दम देंगे। अच्छे से पहले आप लोगों ने इनको मिक्स करना है। अब आप लोगों ने हल्की सी आंच पर जो है चूल्हा कर देना है। पाँच से दस मिनट के लिए आप लोगों ने इनको दम पे रख देना है। दस मिनट हो चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट, अब हम दम खोलेंगे। चावल हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, अब आप लोगों ने इनको मिक्स कर लेना है। आलू वाले चावल हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।